नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है आपका महरो खड़ौती महरो मालवा में। और आइए देखते हैं आज दिन भर की तमाम खबरें। नून हॉस्पिटल और इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलेटिव केयर के बैनर तले 3 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स के दूसरे दिन की कार्यशाला आयोजित हुई। नून हॉस्पिटल में 3 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स पैलेटिव केयर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा। इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन भवानी मंडी में पहली बार हो रहा है। डॉक्टर सुषमा भटनागर, एम्स दिल्ली के प्रोफेसर, एचओडी ऑनको एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर एंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलेटिव केयर के चेयरमैन द्वारा गंभीर व लाइलाज बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए दर्द प्रबंधन सुरक्षा चक्र के बारे में महत्वपूर्ण लेक्चर दिया। प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को अधिक से अधिक जागरूक करके इसमें भागीदारी बनाना है, ताकि वे मरीज के लिए बेहतर योगदान दे सके। इससे पूर्व इस 3 दिवसीय कार्यशाला में 5 डॉक्टर्स, 35 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, पैलेटिव केयर कोर्स के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें जोधपुर से डॉक्टर ममता परिहार, अमेरिका से सिस्टर हनीफे, डॉक्टर अंजुम खान, मिस्टर राम सोलंकी व दिल्ली से डॉक्टर सविता बुटोला ने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। दूसरे दिन की कार्यशाला में डॉक्टर सुषमा भटनागर ने डॉक्टर, नर्स, पत्रकारों व मरीजों के परिजनों को संबोधित करते हुए बताया कि मेरा जन्म झालावाड़ में ही हुआ और मुझे इस क्षेत्र से बहुत लगाव है। बताया कि वे इस क्षेत्र में पैलेटिव केयर की शुरुआत करना चाहती है, जहां गंभीर व असाध्य रोगों से ग्रसित मरीजों का उपचार किया जा सके, साथ ही उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान हो सके। इस अवसर पर पिड़ावा उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जे के अरोड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम एल आहूजा, दुर्गा शंकर ठेकेदार, गरुड़ विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि कमल अटवाल, समाज सेवी ओम प्रकाश चतुर्वेदी के साथ उन हॉस्पिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवव्रत मुखर्जी, मैनेजर ऑपरेशन ईशा भटनागर, डॉक्टर्स, स्टाफ और पत्रकार मौजूद रहे। जानकारी हॉस्पिटल के जनसंपर्क अधिकारी प्रताप सिंह झाला ने दी। कुछ अच्छा सोचना है पेशेंट के लिए।